हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन का। और डेफिनेट इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारे मेथड पढ़े इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और डेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद इसको रिवाइज हम कर लेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है और जो आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 टू लॉग साइन एक्स माइनस में लॉग 2x, ये क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको क्या दिया है, सॉल्व करेंगे आप। देखिए, लेट सपोज ये आपका i के इक्वल है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 टू लॉग साइन एक्स माइनस में लॉग 2x, लॉग साइन 2x था ये। ठीक है, क्वेश्चन में इसको ठीक कर लेंगे, लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x dx। ठीक है, साइन टू एक्स और डी एक्स, यहां भी हम क्या कर लेंगे, इसको साइन टू एक्स लिख लेंगे, साइन टू एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आप पुट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर देखिए, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने से पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है लॉग m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला है। तो यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये इसके स्क्वायर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि लॉग में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो i इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये क्या आ जाएगा लॉग इसकी इसके फंक्शन में। देखिए यहाँ पर m आपका क्या है, साइन, तो साइन की ये पावर हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में ये 2 आपका यहाँ से इसकी पावर में चला गया। ठीक है, हमने यहाँ पर log m रेस टू द पावर n का फॉर्मूला लगाया, n आपका कहाँ चला गया है, इसकी पावर में। ठीक है, इस फॉर्मूले से माइनस में log साइन 2x dx। ठीक है, ये आगे अब देखिए, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, दोनों लॉग के फंक्शन हैं, तो आपने क्या पढ़ा है, लॉग एम माइनस एन बराबर क्या हो जाता है, लॉग एम अपॉन लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये आपका लॉग एम है, ये लॉग एन है, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ एम क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन 2x ऑफ dx, ये आ गया है। ठीक है, अब इसको आप खोल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, कोसाइन 2x का फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये आपका हो जाता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इस स्क्वायर से आपका ये साइन एक्स कट गया है, आगे आपको क्या मिला, 0 to π/2 log of
साइन एक्स ऊपर बचा, स्क्वायर से एक साइन एक्स कट गया, ऊपर आपको क्या मिला, साइन एक्स अपॉन में टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको आगे आप लिखेंगे आई बराबर, ये सब आई के इक्वल है, आई बराबर, ठीक है, तो आई बराबर आपके पास क्या है, 0 to π/2 और लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, 10x, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर हो जाता है आपका 10x। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 10x, तो इसको आप लिखेंगे 10x अपॉन में, यहाँ पे 2 है तो अपॉन में 2 आएगा और dx, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पुट कीजिए, या देखिए यहाँ पर, चलिए इक्वेशन नंबर 2 ये आपका है। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगानी है, अब आपको क्या करना है, इस पर प्रॉपर्टीज लगाना है। इसकी लिमिट देखिए 0 से π/2, इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेके π/2, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा, आप एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 से a f(dx) = 0 से a a - x a - x dx, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को आप यहां पर अप्लाई कर देंगे, इस प्रॉपर्टी को आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। चलिए यहां पर आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो आई बराबर आपको क्या मिलेगा, आई बराबर 0 to π/2 लॉग ऑफ 10, एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स, और एक्स यहां पर क्या है, π/2 माइनस में एक्स और अपॉन में 2 ऑफ dx। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब ये जो है 10π/2 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये कॉट एक्स के इक्वल होता है, दैट मीन्स यहाँ आप लिखेंगे आई बराबर 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2 dx, इसे आप कहेंगे ये आपका इक्वेशन नंबर 3rd है। ठीक है, हमने क्या क्या किया, देखिए हमने इसको पहले लेट किया, ये आई के इक्वल है। ठीक है, के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे थे 2 log sin x, और हम जानते हैं log m की पावर n का जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास आगे कुछ दिया है तो वो पावर में आ जाता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इस 2 को इस साइन के ऊपर पावर में ले गए। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, log ऑफ m माइनस log n, यानी कि log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, तो यहाँ पर ये m है ये n है, तो log ऑफ m अपॉन n हमने लिख लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर से आपका क्या कट गया है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, अब यहाँ से एक साइन से ये साइन कट गया है, आपको क्या मिला, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका होता है 10x के इक्वल। ठीक है, ओके, तो इसको आपने आगे क्या किया, 10x अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 आपने पुट कर लिया। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी तक हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, अभी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, 0 to π/2 है यहाँ पर। ठीक है, 0 to π/2 है, तो आप प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 to a f(dx) बराबर क्या होता है, 0 to a a - x dx के इक्वल होता है। तो यहाँ हम जहां पर x है वहां आप a माइनस a, यहाँ पर π/2 है, और 10π/2 का मान क्या होता है, π/2 - x क्या होता है, cot x के इक्वल होता है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पे कर दूं इसको, थोड़ा दूसरे पेन से करेंगे ताकि ये साफ साफ दिखे। आप इक्वेशन एड सेकेंड एंड थर्ड, आप इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो देखिए लिमिट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड इसका आई है, ये भी आई है, तो 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 और आगे आपके पास क्या है, लॉग ऑफ 10x/2 ऑफ dx और प्लस में 0 to π/2 लॉग ऑफ
कॉट एक्स अपॉन टू डी एक्स, ये आपको मिल गया है। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे कंबाइंड रूप में, ये आपका इसकी लिमिट सेम आ जाएगी पाई बाई टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाय टू और प्लस में लॉग ऑफ कॉट एक्स बाय टू पूरे का डी एक्स। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम इसको, चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आपको क्या मिला, जीरो से पाई लॉग टेन एक्स। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, टेन एक्स इसका रिवर्स होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, टेन एक्स कॉट एक्स को कट जाएगा, वन अपॉन टेन एक्स इसका हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पर। अब देखिए इसको हम पहले कॉपी कर लेंगे फिर करेंगे इसे, जीरो टू पाई लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस में लॉग कॉट एक्स बाई टू क्वेश्चन है। टू आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस में लॉग ऑफ कॉट एक्स बाई टू ऑफ डी एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता है, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे, लॉग एम इंटू लॉग एन, तो ये आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है, और लॉग एम इंटू एम क्या है, यहाँ टेन बाई टेन एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करते हैं एम के साथ, तो कॉट एक्स बाई टू ऑफ डी एक्स। अब ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि यहाँ से टेन एक्स से आपका कॉट एक्स कट जाएगा। ठीक है, आगे आपको क्या मिला था, टू आई बराबर जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ वन अपॉन टू मल्टीप्लाई में वन अपॉन टू ऑफ डी एक्स। ठीक है, आगे देखिए, जीरो से पाई बाई टू लॉग वन बाई फोर। ठीक है, जीरो टू पाई बाई लॉग वन बाई फोर। अब ये लॉग वन बाई फोर आपका क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि कॉन्स्टेंट को आप क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देते हैं, यानी आप उसको क्या लिखेंगे, लॉग वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और यहां आपके मिलेगा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि वन का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाता है, ये आपको पता है, लॉग ऑफ वन अपॉन फोर, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, लिमिट से इसकी पाई बाई टू से जीरो। लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे आप यहां पर, लॉग ऑफ वन अपॉन फोर पाई बाई टू माइनस जीरो, दैट मीन्स पाई बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया है टू आई के इक्वल, तो टू आई बराबर लॉग वन बाई फोर इंटू में पाई बाई टू इंटू में पाई बाई टू। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, आई निकालना है, आई बराबर इसको देखिए, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे वन बाई टू ऑफ लॉग वन बाई फोर इंटू में पाई बाई टू, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लॉग में अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा भी है कि आपके पास जब क्या होता है, एन लॉग एम होता है, तो आप इस एन को इसकी पावर में लेके जाते हैं। ठीक है ना, जो इस लॉग से पहले होता है उसको पावर में लेके जाते हैं, यानी कि लॉग एम रेस टू दी पावर एन। ठीक है, ये प्रोसेस आपका रिवर्स भी होता है, अगर ये है तो इसको आप ये लिख सकते हैं, और ये है तो इसको आप ये लिख सकते हैं। यहाँ लॉग से पहले वन बाई टू है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आई बराबर लॉग ऑफ
इसकी पावर 1/4 की पावर 1/2 इंटू में पाई बाई टू। अब 1/2 का मतलब क्या है? लॉग ऑफ 1/4, और 1/2 का मतलब क्या है? रूट, ठीक है, और ये आ जाएगा π/2। अब इसका रूट जब आप लेंगे तो इस π/2 को तो आप आगे कीजिए, ठीक है, इसका जब आप रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लॉग ऑफ 1/2। इसका रूट लेंगे 2 आएगा और 1 का तो 1 ही आता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π एक्स डी एक्स अपॉन 1 + sin x, ठीक है, 1 + sin x। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था, उत्तराखंड बोर्ड में 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेट सपोज आपका सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सेम क्वेश्चन पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π और एक्स डी एक्स अपॉन 1 + sin x। लेट सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a a - x ऑफ dx। इस प्रॉपर्टी को आप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां आपके पास क्या आ जाएगा, i बराबर 0 to π और x की जगह पर आपको क्या रखना है, a - x। a यहां पर क्या है? पाई है, पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 + sin π - x ऑफ dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये आगे क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से π और π - x dx अपॉन में 1 + π - x क्या हो जाता है फिर से sin x, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को जब आप ऐड करेंगे, एडिंग या ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2i मिलेगा। 2i बराबर 0 से π एक्स अपॉन 1 + sin x dx प्लस में 0 से π π - x अपॉन 1 + sin x dx, ठीक है। इसको कंबाइंड रूप में आप क्या लिख सकते हैं, 0 से π सेम लिमिट है तो 0 से π और इनके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहां पर आप एलसीएम ले सकते हैं 1 + sin x और यहां है x + π - x dx, ठीक है। यहाँ x से x आपका कट जाएगा, आगे आपको क्या मिला, यहाँ से 2i बराबर क्या मिल गया है, 2i बराबर आपको मिल गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π और पाई अपॉन 1 + sin x dx, ये आपको 2i के इक्वल, ठीक है। आगे आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin x, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 - मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, है ना। वन माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 0 से π / π और π देखिए कॉन्स्टेंट है तो आगे आप इसको लिख सकते हैं
यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स आपके पास आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स आपको मिल जाएगा। ओके आगे इसका क्या कर सकते हैं, पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, और ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। तो इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, पाई 0 से पाई और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और इसको मैं थोड़ा सा चलिए कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाई आगे आ जाएगा आपको, ठीक है। और यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस, यहाँ 0 से लेके पाई, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं फिर से कॉस एक्स और इस पूरे का डी एक्स, ठीक है। हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। आगे देखिए पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका क्या हो जाता है टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाता है सेक एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका क्या हो गया है, इजी हो गया है, इसको आप आराम से इंटीग्रेट करते हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x और ये आपका आ जाता है 10x sec x का आ जाता है sec x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x और माइनस में इसका हो जाएगा sec x और यहाँ लिमिट आप रख लेंगे पाई 0 से पाई, ठीक है। आगे 10 पाई अपर लिमिट माइनस में sec पाई और माइनस में आप रखेंगे 10 0 और माइनस में sec 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने कर दी। 10 पाई का मान कितना होता है, 10 पाई का मान 0 हो जाता है और sec पाई का मान होता है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पाई तो आपके बाहर से है, यहाँ अंदर क्या आ गया है, तो देखिए यहाँ से ये 0 माइनस में माइनस 1 इसका वैल्यू होती है और माइनस में ये 0 और यहाँ पे इसका मान 1 होता है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पाई आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर इसको आगे चलिए ये आ जाएगा पाई माइनस माइनस का प्लस और माइनस माइनस का अगेन प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। यहाँ आपको क्या है 2i, तो i हमें निकालना है, तो i बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 और 2 से 2 कटेगा तो आपको मिलेगा पाई, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूं पाई, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है
यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर वन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन पुट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए जीरो से लेके पाई बाय टू है, यानी कि जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर लिखेंगे और इसी को यूज भी करेंगे। चलिए ये आ गया है इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लिया हमने। तो i बराबर इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, जीरो से पाई बाय टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स माइनस में कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस में एक्स कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स ऑफ डी एक्स भी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, आई बराबर जीरो से पाई बाय टू, जीरो से टू पाई बाय टू साइन एक्स का क्या हो जाता है पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस में आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स ऑफ डी एक्स। इसको आप इक्वेशन टू पुट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे, ऐड वन एंड टू, वन और टू को जब आप ऐड करेंगे तो वन आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में टू आई, आई प्लस आई टू आई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, यहां पर आपके पास है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और क्वेश्चन नंबर टू है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं सीधे कॉस एक्स साइन एक्स, एक ही बात है ऑफ डी एक्स, ठीक है। ये हमने इक्वेशन वन और टू को ऐड कर, ठीक है। अब क्योंकि इक्वेशन वन और टू के वेरिएबल सेम हैं, दैट मींस टू आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। डी एक्स भी आएगा, साइन एक्स पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, आपस में कट जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये आपस में कट जाएंगे। तो टू आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और यहां पर आपको मिला जीरो अपॉन वन प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, टू आई बराबर जीरो टू पाई बाई टू और जीरो ऑफ डी एक्स, और जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही आ जाता है, और टू आई बराबर जीरो, तो आई का मान जब आप निकालेंगे तो जीरो बाय टू दैट मीन्स जीरो, ठीक है। तो आई बराबर आपका क्या आ गया है जीरो, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू जीरो, जीरो टू ए ए माइनस एक्स डी एक्स
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ऐड किया तो आपको क्या मिल गया है, 0 अपॉन 1 प्लस sin x, 0 अपॉन समथिंग इज 0, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आई यहां से आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डेफिनेट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक फॉर्मूलों को हमने आपको लिखाए हैं और उन फॉर्मूलों को आपने लिखा होगा और लर्न किया होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इससे पहले आप डिफ्रेंशिएशन को भी अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन करना आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि उसी का ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन को, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर क्योंकि इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं तो जो भी चैप्टर आपको सुटेबल लगेगा उन चैप्टर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।